तो सर एचडीएफसी बैंक कैसा दिख रहा है? एचडीएफसी बैंक अगेन लॉन्ग टर्म व्यू ही चाहिए मेरे को, लेकिन क्या ये गिरावट में लॉन्ग टर्म के लिए मैं खरीदारी करके रख सकता हूँ? नहीं सर, अभी तो नहीं लग रहा सर। मतलब अभी जितने दोनों ही एचडीएफसी है ना, ये दोनों ही काफी नीचे चल रहे हैं अपने 200 डे मा से। इवन 10 डे मा, 20 डे मा कुछ भी रिवर्सल के साइंस नहीं दिख रहे, तो अभी तो रुकना चाहिए सर। एटलीस्ट कम से कम कोई चीज चलने के लिए 20 डे मा के या 50 डे मा के ऊपर तो निकले, तब तो अपन इसको थोड़ा सा बाइंग करने की सोचे। तो इन लेवल्स पे तो हमारी कोई राय नहीं होगी कि आप किसी भी तरीके से बाय करें और अपने पोर्टफोलियो में अभी ऐड करें। बट हाँ, अगर 1380 1390 के ऊपर एक सस्टेनेबल बाइंग दिखती है, कंटिन्यूअस बाइंग, तब लगता है कि हाँ, आप जब आप ऐड करें। अभी क्या है, मार्केट ऐसा है कि आप नीचे में बाय ना करें, जब स्टॉक्स ऊपर जाए, एवरेजेस के ऊपर सस्टेन हुए ना, तब जाके बाइंग करेंगे ना, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी सभी स्टॉक्स, ज्यादातर स्टॉक्स एवरेजेस के नीचे चल रहे हैं, सभी एवरेजेस के। तो ये चीज दर्शा रहा है कि अभी कॉन्फिडेंस नहीं है मार्केट में और सेलिंग आ सकती है। तो अंटिल दैट मेरे को यही लगता है ज्यादातर स्टॉक्स के अंदर, तब तक 20 डे मा या 50 डे मा के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे नहीं आए और कंटिन्यूस बाइंग्स ना दिखे वहां पे, तब तक थोड़ा सा अभी अवॉइड करना है। ठीक है, थोड़ा अवॉइड, और क्यों अवॉइड करना है वो बता रहे हैं वो सर, कि जो एक चीज तो ठीक है कि जहाँ एक लेवल वो वाली चीज होती है, सपोर्ट लेवल्स के आसपास खरीदारी करनी चाहिए, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीजें जो देखनी है वो भी देखनी होंगी। और बाजार इस समय जो डाउन ट्रेंड जैसा है या कहीं उस तरीके से एक नर्वसनेस के साथ में काम कर रहा है, तो अगर वो टूटे तो और नीचे के लेवल्स आ सकते हैं, डिस्काउंट और मिल सकता है। तो इसलिए फिलहाल खरीदारी की राय नहीं है इस समय, उल्टे है कि जब ऊपर के लेवल्स पे और वहां पे जब सस्टेन करे और मोमेंटम आए तो ही खरीदारी करेंगे। तो ये राय यही कह रहे हैं सर वैभव जी। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है।